हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक दूध का शरबत बहुत ही इजी वे में शेयर कर रही हूँ। होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने जो है एक जेली ले लिया है जो पाइनएप्पल फ्लेवर में है। आप किसी भी फ्लेवर की जेली ले सकते हैं। और इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसी में मैं कम से कम 500 ml जो है इसमें वार्म वाटर ऐड कर लूँगी, मतलब बॉयल वाटर। वो वाटर एकदम गर्म होना चाहिए, तो अच्छे से इसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो हमने इसमें पाउडर मिक्स किया था, जेली पाउडर, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। और थोड़ा सा इस जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसी में 1 लीटर जो है मैंने दूध ऐड कर लिया है। अब इसे मैं बॉयल कर लूँगी कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए, और बीच बीच में इसको चलाती रहेंगे। 10 से 12 मिनट इसको बॉयल करने से ये थोड़ा बहुत ये थिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थिक हम इसे नहीं करेंगे। तो बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और साइड में जो क्रीम बन जाएगी या मलाई इसमें लग जाएगी वो हम इसमें मिक्स करते हुए इस तरह से इसको बॉयल करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर ले लिया है, और ये 1/3 कप जो है मैंने शुगर ऐड कर लिया है, और ये मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। 1 स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है, 1/2 जो है कप मिल्क में, और उसे डिसॉल्व करके इसमें मैंने ऐड कर लिया है। अगर हम ज़्यादा कस्टर्ड ऐड करेंगे तो बहुत वो थिक हो जाएगा, वो फ्लेवर कस्टर्ड का जो है आ जाएगा। ये हम शरबत बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हम इसको पतला रखेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ 1 स्पून जो है इसका फ्लेवर जो है इन्हेंस करने के लिए इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था। आप किसी भी फ्लेवर का कर सकते हैं, वनीला फ्लेवर का भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ऐड किया था। अब इसे फिर से 5 से 7 मिनट के लिए फिर से हम बॉयल करेंगे, और बॉयल करने के बाद 5 से 7 मिनट इसको ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे। मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने जेली को जो है फ्रिज में रख दिया था, ये अब जो है प्रॉपर सेट हो चुकी है। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे, और जो हमने शरबत रेडी किया है हम इसको उसमें मिक्स कर लेंगे। तो अब शरबत ठंडा हो चुका है, इसमें मैंने चॉप किया हुआ डेट्स, चॉप किया हुआ एप्पल, और चॉप किया हुआ ग्रेप्स, और चॉप किया हुआ बनाना ऐड कर लिया है, और ये जेली। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं चॉप करके। अब इसे हम जो है अपनी ग्लासेस में फिल करेंगे और फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।